नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के बैतूल में सौंदर्य प्रतियोगिता में अव्वल श्रुति सक्सेना वर्मा, रेल परिवार आमला का मान बढ़ाया। श्रुति वर्मा ने बताया कि आमला रेल परिवार की महिला श्रेष्ठता में कहीं कम नहीं है। ए आर धोटे, दुबई में हुई प्रतियोगिता में श्रुति सक्सेना ने जीता मिसेज इंडिया इंटरनेशनल क्वीन का खिताब। नगर की रेलवे में कार्यरत श्रुति सक्सेना वर्मा मिसेज इंटरनेशनल क्वीन प्रतियोगिता में नंबर वन प्रतिभागी रहीं। इस उपलब्धि पर आज रेलवे स्टेशन परिसर आमला में सत्कार समारोह आयोजित कर श्रुति सक्सेना का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बतौर राजेश बनकर थाना प्रभारी RPF आमला, ए आर धोटे कल्याण निरीक्षक रेलवे आमला, बी के साहू सीनियर सेक्शन इंजीनियर PWI, बसंत सूर्यवंशी सीनियर सेक्शन इंजीनियर CNW, शिवराम सिंह ASI RPF रेलवे आमला, पूजा सोलंकी RPF आमला, देवेंद्र परमार RPF आदि मौजूद थे। श्रुति सक्सेना ने बताया कि ये प्रतियोगिता दलीला एम्बिनेंस कन्वेंशन होटल दिल्ली द्वारा मुंबई में प्रतियोगिता कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें देश के अन्य शहरों में से भी महिलाएं शामिल हुई थीं, जिसमें श्रुति सक्सेना वर्मा को मिसेज इंडिया इंटरनेशनल क्वीन कंपटीशन में नंबर वन का खिताब जीता, साथ ही सब टाइटल वेस्ट इंस्टेंट लाइफ का अवार्ड और ताज की जीत हासिल की गई। श्रुति सक्सेना को नगर उनके मित्रों तथा शुभचिंतकों द्वारा बधाई दी गई। अपने उद्बोधन में श्रुति सक्सेना ने कहा कि 170 प्रतिभागियों में इस प्रतियोगिता में पंजीयन कराया था। मार्केटिंग हेड दीपक बर्थे की रिपोर्ट। रेलवे परिवार यहाँ पर उपस्थित है, जिसमें हमारे वेलफेयर इंस्पेक्टर डॉक्टर साहब, सेक्शन इंजीनियर हमारे सुरेंद्र साहब, सेक्शन इंजीनियर साहू साहब, अनिल पाल जी, मनोज वाधवा, मनोज विश्वकर्मा जी, हमारे सब इंस्पेक्टर शिवराम सिंह और सभी उपस्थित गणमान्य, आज हुए है श्रीमती श्रुति सक्सेना वर्मा जी का सम्मान करने के लिए। आज इन्होंने जो उपलब्धि हासिल की है, आमला एक छोटी सी जगह है और आमला छोटी सी जगह में हम लोग रेलवे परिवार से आज श्रीमती श्रुति मैडम ने जो उपलब्धि हासिल की है, इसलिए हम लोग अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है। मैडम जो आज इस उपलब्धि पर पहुंची है, इन्होंने मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन कॉन्टेस्ट में 2021 में अपना सहभाग लिया है और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि वो वहाँ तक पहुँची और इन्होंने वहाँ से अपना पार्टिसिपेट करके सक्सेसफुल तरीके से वापस आई है। मैं इनको उनके उज्जवल भविष्य के लिए, अगली बार भी वो हमारा नाम रोशन करेंगी, इसलिए हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। रेलवे में कार्यरत रहने के बाद, चूंकि आप रनिंग स्टाफ से जुड़ी हुई हैं, आपके पास समय का अभाव रहता है, ऐसी परिस्थिति में भी आपने प्रतियोगिता में अव्वल स्थान हासिल किया है। आमला जैसे छोटे से शहर से आपने ये उपलब्धि हासिल की है, आप आमला संदेश देना चाहेंगे जो इस माध्यम से इस सौंदर्य प्रतियोगिता में वो भी आगे आ सके। आमला की महिलाओं को मैं बस ये संदेश देना चाहूंगी कि कोई भी उम्र हमारे बुढ़ापे की ओर बढ़ते हुए कदमों को रोक सकती है। अगर हम दिल से चाहें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। महिलाओं को शादी के बाद में जो ये गलतफहमी हो जाती है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, एक्चुअली वही समय उनके सब कुछ करने का होता है। बिकॉज ये कि घर के जो परिवार के माता पिता, भाई बहन और जो अन्य लोग होते हैं, वो उनका सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि उनकी शादी हो चुकी होती है, तो वो डर खत्म हो जाता है कि अकेली लड़की कहाँ जाएगी। तो महिलाओं के लिए सबसे अच्छा सुनहरा अवसर होता है और अपनी आपके फिटनेस को ध्यान में रखते हुए उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और ये मुकाम कोई भी हासिल कर सकता है, बस जज्बा और मेहनत की जरूरत है।